यार आप माइकल जैक्सन के शिगिर्द रह चुके हो। जम्मिया सी जदों मैं पंगूड़े विच पिया सी। बोहिमिया का रैप सुनाएंगे जनाब भाई। 10 गोली खा के भी मरिया नहीं, बंदूका सामने खलो भी डरिया नहीं। कह गया बापू कंडे ना वखाई, डिगन तो पहला 10 दुश्मन लाई। काले जेल बास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। लड़की क्यों छोड़ के चलेगी तू? इसका बाप नहीं राजी था, नशा चर्स भी था, मैं छोड़ने को तैयार था उसके लिए। ये कट किस चीज के लगवाए? ये मशूक के पीछे मारे। उसके पीछे मारे। अच्छा जी नाजीन, इस वक्त आपको मेरे साथ जो नौजवान लड़का नजर आ रहा है, ये माइकल जैक्सन का शिगिर्दे खास रह चुका है। यानी कि माइकल जैक्सन के पास ये डांस भी करता रहा, उससे डांस सीखता रहा है, और उसके बाद बोहिमिया के रैप बड़े अच्छे तरीके से गा लेता है, और काका सिंगर जो है बड़ा मशहूर, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से उसके गाने भी गुनगुला लेता है, और कहता है कि जी मैं मुझे आप काका टू समझ लें आप। अब देखिए डांस भी कर रहा है, लेकिन लड़की छोड़ के चलेगी है इसको, और उसकी याद में नशा करने लग गया, नशे की लानत पे लग गया होगा। बात करने से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शेरोज अली। शेरोज, यार आप माइकल जैक्सन के शिगिर्द रह चुके हो। हाँ। क्या डांस सिखाता था आपको? हाँ, क्लब में जाते थे उसके पास। अच्छा। डांस सीखने के लिए। अच्छा, और बोहिमिया के रैप कहाँ से यार सीखे ये चीजें? बोहिमिया अपना दोस्त है। अच्छा, दोस्त है अपना। सिंगर बस वो अलग बात है कि वो बहुत ऊंचाई पर चला गया, हम नीचे के नीचे रह गए। इकट्ठे बैठते। हाँ। नशे पे कैसे लग गए यार? नशा किस्मत ने मारा बस। प्यार कर बैठे। ओए ओए ओए, प्यार कर बैठा। हाँ। किधर नल है कुड़ी एक? अच्छा? वजीहा। वजीहा, वजीहा ना प्यार कितना। ये इधर डांस करके दिखाओ जरा कैसे, माइकल जैक्सन के अंदाज में जरा, वो वजीहा के टॉपिक पे आते हैं जरा। पहले जरा माइकल जैक्सन जरा बन के दिखाओ जरा, किस तरह के डांस करते हैं। अब नाजिंग ये माइकल जैक्सन की तरह भाई डांस करके दिखाएंगे, और चेक करें जरा किस तरीके से डांस करेंगे, आप ही देखिएगा इसको जरा। जी जरा। जम्मिया सी जदों मैं पंगूड़े विच पिया सी, रोंदा वेख बापू जी ने हाथों में चक लिया सी। ओए जम्मे असी जिन्ना तो महीने होंदे गए, यार हुनी थोड़े जे कमीने होंदे गए। पहली गाल चाचा जी ने कढ़नी सिखाई, पहली गाल चाचा जी ने कढ़नी सिखाई। गाला कढ़दा सी बिल्ला शरेआम हो गया, सोलवां भी टप्पिया, सतारवां भी टप्पिया, अठारवें च मुंडा बदनाम हो गया, अठारवें च मुंडा बदनाम हो गया। हो कहान दी कुड़ी दे नाल यारी पै गई, दूजी चोरी दी बंदूकी उन्हें मुल लै लई। तीजा दादे आला सलल कोके पा लिया, चौथा यार दे विआ च राती नीट ला गया। यार दे विआ च हो खूनडी जी दे भरोरे उत्ते खिलरे, मुगी बणदी सी खड़ा शरेआम हो गया। सोलवां भी टप्पिया, सतारवां भी टप्पिया। हाँ जी, बड़ी बात है यार, आप तो बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, ये माइकल जैक्सन से सारा डांस सीखा आपने? बस हाँ, दोस्त है अपना वो भी। अच्छा, यानी कि उसके पास जाते रहे। भी है, दोस्त भी है, उस्ताद भी यार, दोस्त भी। हाँ। है माइकल जैक्सन। अच्छा, बोहिमिया का थोड़ा कोई रैप, बोहिमिया का रैप जो है ना, यानी कि वो गा के दिखाओ जरा। ये जी बोहिमिया का रैप सुनाएंगे जनाब भाई। 10 गोली खा के भी मरिया नहीं, बंदूका सामने खलो भी डरिया नहीं। कह गया बापू कंडे ना वखाई, डिगन तो पहला 10 दुश्मन लाई। गोलियां बंदूकां नाल खेड़दे जवान ने, ठाणे कचहरियां मसेरां दे गान। बड़ियां कचहरियां तू वेखियां, गर्मियां ते सर्दियां तू कंडा नाल सेकियां। जेड़े ने दिन तू मिंटां ते लाल, रात लंघ गई हुण दिन दा इंतजार। इस लई नहीं आजादी कदों मिलू, इस लई के वैरियां दा गला कदों छिलू। मैनू मार छड़िया जहर ने, मैं आप पालिया प्यार ने। मेरे सीने च गरूर ते दिल च तूफान, पंजाबियां मैं सोनिया क्यों होना है हैरान। मैं रब दा कहर, लोकी कहंदे मैनू मैर, मेरी नस नस विच नशा ते जहर। यार मुझे शेरोज ये बताओ यार, ये कहाँ से इतना कुछ सीखा है यार? ये तुम इतना टैलेंटेड बंदे हो यार, और नशा कर रहे हो यार। काका स्टार का कोई जरा मुझे स्टेप, उससे गाना कोई सुना के दिखाओ जरा। नाजिम तो मैं देखना चाह रहे हैं, बड़ा पसंद करते हैं काके स्टार की तरह। किस तरीके से काका जो सिंगर है, कैसे गाना गाते हो उसका? बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आदा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेंगी। नहीं मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो। ओ काले जेल बास दी शकीनन कुड़ी,
दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो काले जे लबास दी शकीन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो कुड़ी उठी असी सोके मुंडे पर देने होके लोड़ ही नी पतलों नू में कब दी 18-19 भी कुड़ी इंज चमकी पुत्र दी जांदी जेवे कंध सप दी सप तो ख्याल आया ओदी अख दा बचना औखा है जहरीले डंग तो हो काले जे लबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो काले जे लबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। अच्छा यार मुझे ये बताओ कि लड़की क्यों छोड़ के चलेगी तू? बस वो कहती होगी नशा करता है यार ये है? इसका बाप नहीं राजी था। बाप नहीं राजी था? हाँ। क्या कहता था नीचे करो? वो कहता नशा करते हो तुम। नशा तो तुम वाकई करते हो? नशा चर्स पीता था मैं, छोड़ने को तैयार था उसके लिए। अच्छा हाँ। उसके बाप को नहीं कहा? जाती तो छोड़ देना था सब कुछ, वो नहीं मिली। अब उसकी याद के अंदर? उसकी याद में बस पटक रहे हैं कभी इधर कभी उधर। लेकिन अच्छी चीज़ तो नहीं है ना? अच्छी चीज़ नहीं। नहीं अब कोई और उसके अलावा कोई नहीं है? है। उसके अलावा और है? वो कौन सी है? वो भी है, बस वो भी एक समझ लो धोखा ही है। वो उसका क्या नाम है? जैनब। जैनब? अब पहले वो वजीहा थी, अब जैनब। वो उसकी तो शादी हो गई है ना वजीहा की। हाँ। और जैनब पुरानी बात है। अच्छा और जैनब? जैनब तो 12-13 महीने हो गए इसके साथ। अच्छा जैनब के साथ दोस्त भी है और गर्लफ्रेंड भी है मेरी। प्यार करता हूँ मैं अपना सच्चा, उसको कदर ही नहीं है। किसको? जैनब को। पहले वजीहा को कदर नहीं थी, अब जैनब को कदर नहीं है। तुम नशा छोड़ दो ना, शायद तुम्हारी कदर कर। नशा तो छोड़ने के लिए वो, इसलिए तो तुम्हें लड़कियाँ नहीं। सच्चा प्यार करने वाली तुम नशा छोड़ दो, वो तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा था मैं छोड़ दूँ? नशा तो अच्छी चीज़ नहीं है मेरे भाई। नहीं अच्छी चीज़ है? कितने खूबसूरत जवान हो तुम और नशा करके अपनी तुमने हालत बिगाड़ ली हुई है। बिल्कुल नाजन, ये हालात हैं जी, ये हमारे मुल्क के हालात हैं और हमारे कौम का सरमाया है और ये एहसास है हमारे कौम का। अब देख लें कितना नौजवान है। ये कट किस चीज़ के लगवाए? ये मशहूर के पीछे मारे हैं। उसके पीछे मारे हैं? अब ये तो जुल्म है, ज्यादती कर रहे हो अपने साथ। ज्यादती तो की है बस, ये समझ आ गई। अब इतना टैलेंट है तुम्हारे अंदर, तुम ये नशा छोड़ दो तो तुम शायद आगे भी जा सकते थे। हाँ जा सकते थे बिल्कुल। नाजन ये हालात हैं जी, आप देख लें ये खूबसूरत नौजवान है, अब जब नशा करेगा फिर ऐसे काले पीले चक्कर हो जाएंगे, काले पीले यानी कि फिर वो हालात बन जाएंगे। लेकिन ये है कि नशा एक बुरी चीज़ है, इससे बचना चाहिए। यानी कि अल्लाह पाक की ज़ात ने इंसान को अशरफ मखलूकात बना दिया, खूबसूरत बनाया है, लेकिन हम लोग खुद ही अपनी शक्लें बिगाड़ लेते हैं। अब इस भाई ने जिस तरीके से आप देखें कि कितना टैलेंट है, और ये माइकल जैक्सन का बता रहा है कि जी उसका शिगिरद भी रह चुका है, और बोहिमिया का रैप स्टार भी, वो बड़े रैप जो है बड़े अच्छे तरीके से गा लेता है, लेकिन इसने नशे की लानत पर लग गया हुआ है। नशा बहुत बुरी चीज़ है, हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल इसको रोकने में नाकाम हो चुकी है, बिल्कुल नहीं रोक रही। और ये साथ ही एसपी सिटी साहब बैठते हैं, अब वो भी यहाँ बैठते हैं, तो एसपी सिटी साहब से मेरा मुतालबा है कि ये जो नशा है ये हमारे मुल्क के अंदर और हमारे इस लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे अंदरून के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर यानी कि जो है ना फैल चुका हुआ है, और नौजवान नस्ल बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। तो मेरा आईजी पंजाब साहब और सीसीपी लाहौर साहब से मुतालबा है कि आप इस चीज़ को गौर से देखें और इस लानत को मुआशरे से ख़त्म करें, ताकि ऐसे नौजवान मजीद जो है ना वो ख़राब होने से बचें। तो नाज़रीन ये वीडियो तो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।